हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, बद्री को रोक दिया गया है मंदिर में एंटर होने से, और अलकनंदा को बद्री ने बोला भाई तुम तो जाओ। लेकिन अब आगे देखते हैं भाई, अब आगे होता है क्या। तो कौन करते हैं स्टार्ट। हो गया भाई दर्शन। आकाश गंगा मैं हूँ। अलकनंदा मैं। अबे देव फूल नंदिनी सही है। मुझसे कहा गया था कि ज्योति दर्शन करने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब बस जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए प्लीज। पता ही इतनी मेहनत जो की है निकाल से सरकार आ गई। यार पहाड़ी इलाके ना फॉरम, अगर गाड़ी कभी हो कभी तो स्लो होगा। बड़ा कसम से ये अमीर पार्टी बद्री। अब तो खुश हो ना? हाँ हूँ, खुश तो बहुत हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं। जब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी तो पूरी तरह खुश हो जाओगे। अरे वो तुम ही हो। तुम बुद्धू हो बद्री, तुम जानते भी हो किससे मोहब्बत। ए, उसे खत्म करके अलकनंदा को ले आओ। वहीं रुक जाओ, जाओ, रुक जाओ। वो लोग कितने बद्री, बद्री करना क्या चाह रहा? मैं इसे यहाँ लाया क्योंकि इसे ज्योति दर्शन कराने का वादा किया था। मैं इससे प्यार करता हूँ, इस गलत फहमी की वजह से तुमने मासूमों की जान ली है। ओ, ओ, गुरुजी ने देखो, मैं सिर्फ इससे ही नहीं दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता। ले भाई, बद्री ने तो जवाब दे दिया क्योंकि वो उसका जो चेहरा तुम कह रहा था ना, प्यार करता है ये तो वो है। मेरा जन्म मेरे गुरु के लिए है। आप बस हुक्म कीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए अपना जीवन त्याग दूंगा। गुरु अगर शिष्य से माफी मांग पाता तो कितना अच्छा होता। गुरुजी, पूरा ब्रह्मांड विश्वास के ऊपर चल रहा है, उस विश्वास के सामने मैं हार गया। तुम जीत गए। जाओ दर्शन करो। बोला था ना कि छोड़ के चले जाओ। भीष्म नारायण, नारायण। इससे कहिए ज्योति दर्शन करने से ख्वाहिश पूरी होती है, ऐसा हम जैसे मासूमों को झूठा दिलासा ना दे। बद्री, मैं किससे मोहब्बत करती हूँ तुम जानते हो? तुमसे। ओहो, बता दिया। मन में पति किसे माने है जानते हो? तुम्हें। क्या रे, डायन आया। जो मुंह में आया बक रही है, मार डालूंगी। चल नहीं, एक मिनट ठहर जाइए, उसके बाद जो मर्जी है वो कर लीजिए। ए बद्री, ना जाने यहाँ कितनी दूर दूर से लोग अपने मन में मुराद लेकर आते हैं, इसी आस में कि उनकी मन्नतें पूरी होंगी, लेकिन हकीकत में भगवान है ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं है। फिर विश्वास किया? मत आओ यहाँ, विश्वास मत करो, सब झूठ है। फिर भाई विश्वास टूटा। बद्री, बद्री मुझे रोक लो। बद्री मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे रोक लो। बद्री मुझे रोक लो, बचा लो मुझे। बद्री आई लव यू, बद्री आई लव यू, बद्री प्लीज। बड़ा परी है बद्री, आई लव यू। बेचारे नहीं देखा जा रहा। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज बद्री बचा लो मुझे।
ठहर जा बद्री। उस भगवान के लिए तुम्हारे दिल में जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार ये लड़की तुमसे करती है। गुरुजी का बोल रहे हैं क्या रहे उससे ज्यादा? क्या मेरे शिष्यों में से कोई भी मेरा वारिस बन सकता है, लेकिन उस लड़की के लिए उसका पति सिर्फ तुम ही बन सकते हो। बद्री, श्री हरि विष्णु इस बद्रीनाथ के जर्रे जर्रे में है यह साबित करने का जिम्मा मेरा है। आज तक तुम मेरे आदर्शों पर जीते रहे, पर अब मेरा हुक्म है कि तुम इस लड़की के लिए जियोगे। भाई ओ ओ गुरुजी ने बोल दिया अब इस लड़की के लिए जीना। जाओ उसे लेके आओ। पहले इनको तो मारे, इनको लेना चाहिए। हाँ दूसरे को दे आगे तो आगे। तेरे बंदे इतने नहीं लड़ सकते। ये दूसरी डायन आ गया। यार क्या मस्त सीन है यार। वाह बड़ी सरकार है, इसको सीन बोलते हैं ना। क्या मूवी है आप नहीं, नहीं। मुझे मुझे छोड़ दो बद्री, रहम खाओ मुझ पर। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे 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 मत मारो। पहले तो भाई को मार। मैं इस जमीन पर तुझ जैसे पापी का खून नहीं बहाना चाहता। दोबारा अलकनंदा की ओर देखा तो खत्म कर दूंगा। अबे उस डायन को मार, इनको तो मार। भाई छोड़ दे। ओ भाई साहब, गुरु जी हो तो ऐसा हो यार। क्या एंडिंग हुई है भाई साहब, मजा आ गया। गुरु जी कहता है कि भाई आज से तूने जीना है सिर्फ इस लड़की के लिए, ये मेरा आदेश है। कह रहा तक्षशिला का तो कोई भी वारिस बन सकता है, लेकिन भाई इस लड़की के मोहब्बत के काबिल तू ही है, तू ही इसका हस्बैंड बन सकता है। यार मैं तो जितना तू प्यार करता है उससे ज्यादा लड़की तुझसे ज्यादा प्यार करती है। मैं गुरु जी भी शॉक हुआ कि भाई देख भाई लड़की की मोहब्बत बद्री के लिए भाई जब जो थी उसने गुरुजी को भी चेंज कर दिया। भाई जब गुरुजी को पता लगा कि भाई ऐसे मोहब्बत नहीं करता, गुरुजी ने सीधा अपने चेले की तरफ देखा, उसका सारा नीचे जो गले जो खबर दी थी भाई गुरुजी का दिल बहका दिया था उसने। वही ना, तब भी वो माफी मांग रहा था और सबसे लड़की का बद्रीनाथ जी पे विश्वास उठ रहा था। मेरे ख्याल से उसमें गुरुजी पिघले, वो कह रहे ना कोई नहीं होते भगवान, सब सब यकीन करो, ये तो वो फेंकने लग गई। तो उसने गुरुजी को बोला कि एक भक्त का बद्रीनाथ जी से विश्वास ना उठे, क्योंकि मुझे तक्षशिला का वारिस मिल सकता है, लेकिन इस लड़की को यही पति मिलना चाहिए। और क्या मस्त मूवी थी, मजा आ गया। अलकनंदा को उसका पति मिल गया जो के है बद्री। हाँ, और जैसा शक्तिशाली। अबे यार मजा आ गया वजात इस मूवी कसम से यार। मूवी बहुत क्लास की थी भाई, एक एक सीन इसमें बहुत कमाल था। जिस तरह भाई ब्रह्मांडमन जी भी एंट्री हुई भी में, उनका भी कॉमेडी सीन भाई बाबा ठग के नाम से यार मस्त।
इससे कहते हैं मूवी यार भाई, परफेक्ट मूवी। हाँ ये फैमिली पिक्चर है, इसको कहते हैं फैमिली पिक्चर, परफेक्ट। और मजा भी, और मजा हर चीज यार, पूरी फैमिली थी, कसम से भाई साहब, अल्लू अर्जुन का कोई स्वाद जवाब नहीं यार। अब भाई साहब इधर ये मूवी खत्म हो रही है और बद्रीनाथ जी के दर्शन भी हो गए एट दी एंड में। अब आगे देखता आगे होते कहता बाय।